नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट की इस फैमिली में। आज के इस वीडियो में मैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी प्रश्न पत्र को सॉल्व करने जा रहा हूँ, जो कि बैच 2015 के वर्ष 2017 के एग्जाम में पूछे गए थे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी इंसा अल्लाह खां उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, कवि शब्द का स्त्रीलिंग होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी कवयित्री इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 3 था, व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, वचन एक वचन और बहुवचन संख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं, तो व्याकरण में वचन का सही अर्थ संख्या से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था, अच्छाई मानवता बचपन की संज्ञा के उदाहरण है। दोस्तों अच्छाई और मानवता इसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। इसी तरीके से बचपन को भी आप छू नहीं सकते हैं, लेकिन उसको महसूस करते हैं, यानी कि ये सभी भाववाचक संज्ञा में आते हैं। चौथे का ऑप्शन नंबर सी भाववाचक संज्ञा सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था, कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है। दोस्तों परिमाण मीन्स आप एक तरीके से संख्या, एक परिमाण मतलब जो भी ऐसी संख्या के बारे में आप सोच सकते हैं, तो कैसा ये विशेषण नहीं है जो परिमाण बोधक हो। तिकोना ये भी नहीं है, लाल ये भी नहीं है, और डी ऑप्शन थोड़ा, इसे पता चल रहा है थोड़ा या फिर अधिक, यानी कि थोड़े बहुत मात्रा की बात यहाँ पे की जा रही है, यानी परिमाण की बात की जा रही है, तो पांचवे का ऑप्शन नंबर डी थोड़ा सही उत्तर होगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। पहला प्रश्न पूछा गया था, प्र उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। दोस्तों प्र आपको पता होगा उपसर्ग किसी शब्द के पहले जोड़ा जाता है, और इससे पहले दो शब्द आप लिख सकते हैं, प्रहार प्रचार प्रताप प्रसार और प्रसंग, ये सभी शब्द प्र उपसर्ग से बने हुए हैं। प्रश्न संख्या दूसरा पूछा गया था अति लघु उत्तरीय में, प्रत्यय किसे कहते हैं। दोस्तों प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बनाया हुआ है, पहला प्रति और दूसरा अय। दोस्तों प्रति का मतलब होता है साथ में, और अय का मतलब होता है चलने वाला, यानी कि ऐसे शब्द जो किसी शब्द के साथ में चलता है, यानी उसके अंत में जुड़ करके, किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसकी विशेषता में परिवर्तन ला देता है, उसी को प्रत्यय बोलते हैं। दोस्तों आसान शब्दों में आप ये समझ सकते हैं कि किसी शब्द के अंत में जुड़ने वाला ऐसा शब्द जो उसके अर्थ में परिवर्तन या फिर विशेषता में परिवर्तन ला देता है, वहीं प्रत्यय बोला जाता है। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, काल कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों काल समय का बोध कराता है, और काल तीन प्रकार के होते हैं, भूतकाल वर्तमान काल और भविष्यकाल। भूतकाल से जो बातें बीत चुकी हैं या फिर जो घटनाएं बीत चुकी हैं उसके बारे में वर्णन किया जाता है, वर्तमान में जो घटनाएं वर्तमान में चल रही हैं उसके बारे में उससे जानकारी दी है, और भविष्यकाल में जो घटनाएं भविष्य में होने वाली हैं या फिर हो सकती हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका उत्तर सिंपली हो जाएगा, काल तीन प्रकार के होते हैं। चौथा प्रश्न पूछा गया था, अनुकरण वाचन किसे कहते हैं। दोस्तों कक्षा में पहले शिक्षक एक आदर्श वाचन करता है, मींस व्याकरण का सही ध्यान और प्रयोग करते हुए उसको सही से पढ़ देता है, उसके बाद से विद्यार्थी जो हैं उनका अनुकरण करते हैं शिक्षक का, और उन्हीं के अनुरूप जो बातें उन्होंने व्याकरण संबंधी या फिर नियमों संबंधी बताई हैं उसी को ध्यान में रख करके जो वाचन करता है, मीन्स उनके बातों को दोहराता है, उसको ही अनुकरण वाचन कहते हैं। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था, मौन वाचन के दो उद्देश्य लिखिए। दोस्तों मौन वाचन के उद्देश्य में आप लिख सकते हैं कि जहाँ पर संप्रत्यय को समझने की बात आती है वहाँ पर मौन वाचन किया जाता है, क्योंकि जो सस्वर वाचन होता है उसमें एक साथ सभी विद्यार्थी वाचन करते हैं, उसमें क्या होता है कि जब आप मुख से उच्चारण करते हुए पढ़ते हैं तो कई बार आप पढ़ने पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि उसका अर्थ समझने के लिए। तो मौन वाचन में अर्थ के समझने पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि उसमें मुख से कुछ भी ध्वनि नहीं निकलती है, और आप ये लिख सकते हैं कि ये बड़ी कक्षाओं में मौन वाचन किया जाता है, छोटी कक्षाओं में सस्वर वाचन ही महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकारों का नाम लिखिए। दोस्तों इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता या पाठक के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है, और पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं।
दोस्तों पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। दोस्तों जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला यानी जो वक्ता है वह अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, और इसका उदाहरण आप कह सकते हैं मैं, हम, मुझे, हमारा। वहीं मध्यम पुरुष सर्वनाम की मैं बात करूं तो वक्ता जो श्रोता को संबोधित करने के लिए बोलता है यानी जो सुनने वाला है उसके लिए बोलता है तो वहां पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, जैसे कि तुम, तुम्हें, तुझे, तुम्हारा। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले एवं सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के लिए किया जाता है, यानी कि जो बोल रहा है और जो सुन रहा है उसके अलावा किसी थर्ड पर्सन के बारे में अगर बात की जाएगी तो वहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आएगा। इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं वह, वे, उसने, यह, ये, इसने। अब बात कर लेते हैं लघु उत्तरी प्रश्नों की। प्रश्न संख्या एक पूछा गया था गद्य और पद्य में अंतर लिखिए। तो दोस्तों जो गद्य होता है वह छंद शास्त्र के गुणों और मात्राओं के बंधन से मुक्त होता है। दोस्तों ललित साहित्य के विभिन्न रूपों में गद्य की अगर प्रारूप की बात की जाए तो नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध आदि लेखन गद्य में आते हैं। वहीं मैं बात करूं पद्य की तो ऐसी रचना जिसमें छंद और लय का विशेष ध्यान रखा जाता है उसे पद्य बोलते हैं, यानी कि जो पद्य होता है वह छंदोबद्ध रचना होता है और अगर इसके प्रारूप की बात की जाए तो जो कविता होती है उसमें आप देखे होंगे एक तुक बंदी होती है, लास्ट में जो भी वर्ड होते हैं वो एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिपीट होते हैं तो वो सभी पद्य में आते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे प्रश्न की, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन लिखिए। तो मुख के अवयवों के माध्यम से अपने भावों को और विचारों को अभिव्यक्त करना मौखिक अभिव्यक्ति कहलाता है। और इसके साधन की मैं बात करूँ तो ऐसे जो भी साधन होंगे जो कि मौखिक अभिव्यक्ति को प्रमोट करते हैं वह सभी मौखिक अभिव्यक्ति के साधन के रूप में आप लिख सकते हैं। और इसमें साधन निम्न प्रकार के होते हैं, किसी से प्रश्नोत्तर करना और इसके अलावा वार्तालाप करना, सस्वर वाचन करना, वाद विवाद करना, भाषण, चित्र वर्णन करना और कहानी सुनाना, ये सभी मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हैं। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया था कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर संक्षेप लेख लिखिए। कहानी शिक्षण छोटे बच्चों के क्लास में बहुत ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि कहानी के माध्यम से जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसमें बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। तो आप उपयोगिता में यही लिख सकते हैं कि बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार कहानी के माध्यम से पढ़ाने पर उसमें छात्र इंटरेस्ट लेते हैं यानी रुचि लेते हैं, और जो भी अधिगम रुचि के साथ होता है वह दीर्घ आयु तक स्थायी रहता है और चिर स्थायी रहता है। तो ऐसे ही आप लिख सकते हैं कि कहानी शिक्षण का छोटे बच्चों के क्लास शिक्षण में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। अब बात कर लेते हैं चौथे प्रश्न की, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो दोस्तों ऐसे शब्द जो कि किसी क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि अगर उदाहरण के लिए मैं एक वाक्य बोलूं कि मोहन सुंदर लिखता है, यहाँ पर कार्य यानी क्रिया जो है वह लिखने का कार्य हो रहा है यानी कि क्रिया लिखना हो गया, और यहाँ पर उसकी विशेषता बताता है कि सुंदर, मोहन सुंदर लिखता है यानी कि सुंदर क्रिया की लिखने की विशेषता बताता है, तो यहाँ पर सुंदर जो है वह क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। परस्पर एक दूसरी बात का संबंध बतलाने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं जैसा बोओगे वैसा काटोगे। दोस्तों यहाँ पर जो दो पूर्ण वाक्य हैं जैसा बोओगे वैसा काटोगे ये एक दूसरे से संबंधित है, मीन्स जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे, ये दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम जैसा और वैसा ये दोनों संबंध सूचक सर्वनाम को डिनोट करते हैं। इसी तरीके से जो, वहाँ, जिसकी, जैसी, वैसा, ये सभी शब्द जो होते हैं वह संबंधवाचक सर्वनाम को डिनोट करते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। दोस्तों बहुव्रीहि समास में कोई भी पद जो होता है वह प्रधान नहीं होता है और इसमें दो शब्द मिल करके किसी तीसरे शब्द की विशेषण विशेषता बतलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं बड़ बोला। दोस्तों यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर बोलने वाला
जिसके बोल बड़े हों, चतुर्भुज चार भुजाओं वाला, चार भुजाएं हैं जिसकी, ये सभी जो हैं बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। सातवां प्रश्न पूछा गया था, उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, वहीं अगर प्रत्यय की मैं बात करूँ तो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित करता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रश्न पत्र अच्छा लगा होगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।